किसान भाइयों, खंदेश गुड फार्म अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमने पिछले कुछ 3-4 वीडियो बनाए थे हाइड्रोपोनिक फोडर्स के ऊपर कि हाइड्रोपोनिक फोडर क्या होता है, हाइड्रोपोनिक फोडर बनने के बाद उसमें क्या क्या बदल हो जाता है, दाना से लेके जो भी आप सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्के की रहे, बार्ली की रहे, गेहूँ की रहे, तो सीड्स से लेके दाने से लेके तो चारा बनने के बाद उसमें क्या क्या कम होता है, और हमने ड्राई मैटर के बारे में भी देखा हुआ है। तो ये वीडियो बना इसलिए रहे हम लोग कि पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स की थी और सभी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90% से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए थे कि नहीं भाई, हाइड्रोपोनिक फोडर तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हो। करके बहुत सारे किसान जो भी डेयरी फार्मर्स हैं, गाय भैंस वाले हैं, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक फोडर, तो आप क्यों रोक रहे हैं? और ये सिस्टम भाई फॉरेन से आया हुआ है, विदेशों से आया हुआ है, और यहाँ पर अभी पिछले कुछ सालों में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और अभी नया कॉन्सेप्ट है भाई, और वो भी सक्सेसफुली बाहर से दूसरी बड़ी कंट्रियों से आया है हमारे देश के अंदर। तो आपने इसको सपोर्ट करने को ना कि आप इसके बारे में बात करो। मैं सिंपली एक बात बताता हूँ किसान भाइयों, आप लोगों को, आप इंटरनेट पे कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, आपको यूट्यूब छोड़ के कोई वीडियो ना देखिए, आप सिर्फ वेबसाइट्स देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि रियलिटी ऑफ हाइड्रोपोनिक फोडर, हाइड्रोपोनिक फोडर इज प्रॉफिटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपोनिक फोडर, आप कुछ भी गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसे आपको बहुत सारी वेबसाइट ओपन होती है, आपके समझ में आएगा कि बहुत सारी मतलब डिटेल्स और एक अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिसने हाइड्रोपोनिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और बहुत सारे जो भी आर्टिकल्स है वो हाइड्रोपोनिक को सपोर्ट नहीं करते। तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो लोग बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन देके समझा के आपको उसको एक्सप्लेन करते कि भाई जब भी आप दाने से लेके चारा बनाते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोसीजर के थ्रू, तो उसके अंदर ड्राई मैटर कम हो जाता है, और जब भी ड्राई मैटर आपका कम हो जाएगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उस दाने की वो जितनी थी उससे कम हो जाएगी उस चारे की, जब आप हाइड्रोपोनिक चारे के बारे में बताते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का एक कहना है कि भाई जो हम लोग सिंपली दाना खिलाएंगे तो दाना जो भी जानवर खाएगा तो वो पचाएगा तो 100% नहीं, पूरा पचेगा नहीं भाई दाना, वही आप हाइड्रोपोनिक चारा खिला दो वही दाने से बना हुआ तो इसकी पचनीयता ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा पैलेटेबल होता है, ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है। ये बात ठीक है कि हाइड्रोपोनिक चारा ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, क्यों होता है वैसा, क्योंकि उसके अंदर है 90% से ज़्यादा पानी, पानी डाइजेस्ट करने के लिए तो कुछ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सिंपली उसकी डाइजेस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर हम 100% हाइड्रोपोनिक चारे के बारे में बात करें कंपैरिजन में या तुलनात्मक दृष्टया 100% दाने के हिसाब से, तो हाइड्रोपोनिक चारे की जो भी डाइजेस्टेबिलिटी है, पचनीयता है, ज़्यादा है, पर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। अब सिंपल एक बात है, हाइड्रोपोनिक फोडर किसके लिए है, हम इसका विरोध किसके लिए कर रहे हैं, तो हम सिंपली हाइड्रोपोनिक फोडर का विरोध सिर्फ बकरियों में इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं कह रहे कि आप इनको गाय भैंस में इस्तेमाल ना करें, आप कर सकते हैं, डेयरी फार्मर्स को इसके अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि डेयरी फार्मर का मेन प्रोडक्ट है दूध, मिल्क। अब दूध का 90% से ज़्यादा जो भी कंटेंट है, जो भी भाग है, वो है पानी, तो हाइड्रोपोनिक चारे में से जो एक्सेस वाटर मिल रहा है उसको गाय भैंस कन्वर्ट कर देती है मिल्क में पानी के थ्रू, तो उस बहुत अच्छा है गाय भैंस के लिए, जब भी आप मिल्क की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं। पर जब आप वेट गेन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाग है अपनी बकरी फार्म का, आपका जानवर अगर वजन बनाएगा तो ही किसान को अच्छी आमदनी बनेगी बकरी पालन के व्यवसाय में। अभी सिंपल सी बात है, हाइड्रोपोनिक चारे के अंदर ड्राई मैटर कम हो रहा है, वाटर परसेंटेज बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात ना कि वो सूटेबल है वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि पानी पी के तो वजन बढ़ना नहीं है जानवर का, वो उसके डेली रूटीन्स जो है उसमें जितना जरूरी उतना पानी इस्तेमाल कर लेगा और बाकी ज़्यादा बचा हुआ पानी पेशाब करके निकाल देगा, इसलिए ये कोई सूटेबल नहीं है बकरियों के लिए।
सबसे जरूरी बात क्या होती है हाइड्रोपोनिक फूडर्स में, ड्राई मैटर कम हो जाता है। तो ड्राई मैटर है क्या? ड्राई मैटर सिंपल सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग कोई मक्के का दाना घर पे लेके आते हैं खेतों से निकाल के, तो घर पे आपने देखा होगा मम्मी पापा दादा दादी पहले उस दाने को अच्छे से सुखाते हैं। सुखाते क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो कम करना है अपने को। मतलब सिंपल से अच्छा खासा जो सूखा हुआ मक्के का बीज है, दाना है, उसके अंदर अगर 1 किलो का मक्के का बीज ले लेते हैं आप, तो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से 5 से 7% पानी होता है अच्छा से सुखाने के बाद भी। और बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो ड्राई मैटर है, मतलब 93 से 95% तक। सिंपल सी बात है, 1 किलो मक्के के अंदर 950 ग्राम ड्राई मैटर रहेगा और करीबन 50 ग्राम रहेगा पानी। ये सिंपल सी ड्राई मैटर। और वही चारा जब हाइड्रोपोनिक चारे के अंदर, वही दाने से अपन अगर हाइड्रोपोनिक चारा बना लेते हैं, तो उसके अंदर नियर अबाउट जो ड्राई मैटर बनेगा बचेगा वो सिर्फ बचता है 7 to 10%, और 90 से 93-94% बनता है पानी। तो सिंपली 1 किलो चारे से जितना भी ड्राई मैटर बना रहे, मतलब चारा बना रहे, तो उसके अंदर पूरा हिसाब लगाने के बाद भी दाने के अंदर शुरुआत में जितना ड्राई मैटर था उतना ड्राई मैटर रहता नहीं है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो सपोर्ट करते हैं हाइड्रोपोनिक को, वो बताते हैं कि नहीं हाइड्रोपोनिक इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पचता अच्छा है, इसमें से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये लगभग लगभग ठीक नहीं है ये जो बताते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। मैं एक सिंपली बात बता देता हूँ, इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कमर्शियल बकरी फार्म्स है वो कोई हाइड्रोपोनिक चारा इस्तेमाल नहीं करता है, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सक्सेस नहीं, वो कितना भी बताए उनके यहाँ वेट गेन नहीं मिलेगी। हम लोग पिछले 2 साल से हाइड्रोपोनिक चारे के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पर सक्सेस नहीं है, वेट कम होते जाता है। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया ड्राई मैटर के ऊपर, हाइड्रोपोनिक को छोड़ के, जिसमें सिर्फ हमने चारे के बारे में जब ड्राई मैटर की बात की है, जब चारे से हमने प्रोटीन्स की बात की है, तो सिंपल सी बात मैं एक बता दूँ किसान भाइयों, बहुत सारे जो फार्म्स बंद हो जाते हैं जहाँ पर अच्छा और बहुत सारा चारा खिलाने के बाद भी बकरियों में वजन मतलब रेगुलरली कम हो जाता है, जानवर बीमार होते हैं और फार्म्स मतलब अच्छा खासा लॉस लेके बंद होते हैं, उसका मेन रीज़न है एक तो हरा चारा, क्योंकि उसके अंदर वाटर परसेंटेज ज़्यादा है जो कि बकरियों के लिए सूटेबल नहीं है, और दूसरा ऐसे चारे जिसके अंदर प्रोटीन्स कम है। ये 2 ही रीज़न है कि अच्छा चारा खिलाने के बाद भी गोट्स में, मतलब अच्छा मतलब भरपेट खिलाने के बाद, सिंपल सिंपल सी बात है, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं नेपियर ग्रास का। नेपियर ग्रास में जब भी आप बकरियों में खिलाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा चलन इन्हीं की है, जो भी ज्वार से या फिर बाजरे से डेवलप किए हुए चारे हैं उसमें मोस्टली जब भी नेपीर है तो बड़ा नाम है, इसके जो भी पार्ट्स अलग अलग जो नस्लें आती है उसमें आती है COF S29, COF S31, उसके बाद जो महाराष्ट्र के फुले यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था, फुले यशवंत, फुले जयवंत, फुले गुणवंत, ये जो अलग अलग नस्लें नेपीर की, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर वाटर परसेंटेज ज़्यादा है और प्रोटीन कम है। तो ऐसे चारे जब भी किसान खिला रहा है तो वहां पर सक्सेस नहीं है किसी भी किसान में। हर साल जितने फार्म स्टार्ट होते हैं, बकरी फार्म मोस्टली, वो किसान को प्रॉपर नॉलेज नहीं है बकरियों को क्या खिलाना है, ये पता नहीं है किसान को, वो गलत चीज खिला रहा है उसको, और उसके साथ में उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे और फाइनली उसको बंद करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी डिक्लेयर किया था हाइड्रोपोनिक का, जो भी आप पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे उसको 25% सब्सिडी था। बहुत किसानों ने यहाँ पर स्टार्ट किया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना चलाया उसको, उसके बाद में
ज्यादातर किसानों का, जो मोस्टली बकरी फार्म वाले किसान थे, मतलब उसमें करीबन पकड़ लो आप 100% किसानों ने अपना हाइड्रोपोनिक चारे का यूनिट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको जब पता चल रहा है कि अच्छा खासा इतना हाइड्रोपोनिक चारा हम लोग दे रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, और इनिशियल कॉस्ट भी बहुत लगाया है उसको, ट्रेज लगते हैं, उसके बाद में नेट्स लगती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो सभी किसानों को पता है, उसको जो रूटीनली पानी देना है उसके लिए फिर जनरेटर्स लेना पड़ता है, साथ साथ में आपको अगर ज़रूरी लगता है तो फिर आप कोई अलग से टाइमर्स वगैरह या एडवांस फोगर सिस्टम बिठा रहे हैं, तो उसके लिए जो खर्चा होता है और साथ साथ में रूटीनली जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर, उसके मद्देनजर ये बकरी पालक को लाभदायी नहीं है। एक यूट्यूबर से महाराष्ट्र से, वो मोस्टली हाइड्रोपोनिक फोडर के ऊपर ही बनाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, उनका खुद का भी एक बकरी फार्म है या फिर था। ये लोग जो अभी खुद बड़े पैमाने में इसको एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोपोनिक फोडर्स को, बहुत अच्छे से बताते हैं, ये लोग खुद सक्सेस नहीं है हाइड्रोपोनिक पाउडर को लेके बकरियों में। इसीलिए हम लोग, क्योंकि मैं तो खुद फार्म चला रहा हूँ, मेरे पास खुद की बकरीज है, तो इस पर से तो मैं यही बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने पिछले 2 साल में इसमें से जो समझा है, जितना हम लोगों ने इसको देखा है, तो गोट्स में इसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि हाइड्रोपोनिक पाउडर के साथ आप गोट्स में काम ना करें। कोई कितना भी बताता है तो मैं तो एक कहूँगा कि इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो फॉरेन से आया है, फॉरेन से आया है, विदेशों से आया है, डेवलप कंट्रीज से आया है, तो उन्हीं डेवलप कंट्रीज के बहुत सारे लोग इसके अपोज में भी लिख रहे हैं, और जो कैलकुलेशन दे रहे हैं वो टोटल साइंटिफिक कैलकुलेशन है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो हरा चारा खिला रहे हैं उसके अंदर भी तो वाटर परसेंटेज है, फिर उससे क्या मैटर करता है? तो हम तो बहुत बार बता चुके हैं कि उससे भी मैटर होता है। हम पहले बता रहे हैं कि वाटर परसेंटेज कम होना बकरियों में, अगर आपके पास एकदम फ्रेश हरा चारा है तो एक दिन उसको रहने दो, कटवाओ खेत में रहने दो, थोड़ी धूप खाएगा, 24 घंटा पड़ा रहेगा तो वाटर परसेंटेज कम हो जाएगा, उसके अंदर जो पानी है वो कम हो जाएगा, उसके बाद आप बकरियों को खिलाओ तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तो मैक्सिमम मतलब नियर अबाउट 90% से ज़्यादा तो पानी ही है, तो फिर ऐसे इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलना है गोट्स में। तो हम लोग सिंपली बता रहे हैं कि गोट्स के अंदर आप हाइड्रोपोनिक पाउडर ना मतलब इस्तेमाल ना करें, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप कोई भी कमर्शियल फार्म्स पे चले जाओ, जो बड़े फार्म्स हैं उनके ऊपर चले जाओ, ना कि वो लोग हाइड्रोपोनिक के, इवन मैक्सिमम फार्म हरा चारा भी नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग टोटली डिपेंड है सूखे चारे में, साथ में वो लोग जो न्यूट्रिशंस देना है, मिनरल्स पाउडर्स देना है, टॉनिक्स देना है, वो अलग से दे देते हैं जो कि सूखे चारे में नहीं होता है, और क्वालिटी चारे देते हैं। क्वालिटी चारे इन द सेंस ऑफ प्रोटीन, जिस चारे के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है वो ही क्वालिटी चारा है गोट्स के लिए। बाकी चारा कितना फ्रेश है, कितना हरा है, कितने पत्ते आते हैं उसकी, कितनी हाइट होती है उसकी, बहुत सारे लोग आपको वीडियोस में, यूट्यूब्स पे, इंटरनेट के अलग अलग वेबसाइट्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बताते हैं कि ये बीज ले लो आप, ये लगाओ, ये 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, इसकी इतनी हाइट आएगी, सालाना इसमें से इतना चारा मिलेगा। ये बातें सब ठीक है, पर हमें क्या चाहिए गोट्स के लिए? हमें चाहिए कम पानी और प्रोटीन ज़्यादा, जो कि अपने हाइड्रोपोनिक पाउडर के अंदर नहीं बनता है। तो सभी किसान भाई से हम लोग अभी भी आह्वान करते हैं कि आप हाइड्रोपोनिक पाउडर के साथ बकरी फार्म ना चलाएं, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। बहुत सारे किसान आ रहे हैं, पहले प्रॉब्लम्स को समझे, पूरा जो सब्जेक्ट है अच्छे से उसका स्टडी करें, उसके